दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने एन ओल्ड वुमेन पोएम पढ़ी, ठीक है। उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आज, ठीक है। हाँ, तो इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो मतलब नोट्स वगैरह जो होंगे वो आपको वेबसाइट www.rguruji.in पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, www.rguruji.in। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे ना। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे पोएट का और थोड़ा पोएम का। कि अरुण कोलासकर बहुत ही महान बड़े मतलब राइटर्स मान जाते हैं। इंडियन मॉडर्न पोएट्री जो है ना, इंग्लिश पोएट्री, उसमें लेजेंड कंसिडर किए जाते हैं एक तरीके से। और ये अपनी जेजुरी जो कलेक्शन है पोएम्स का, पोएट्री कलेक्शन का है ना, जेजुरी, इसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब इनकी जो ये पोएम है आज हम मतलब जिसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर रहे हैं, ओल्ड वुमेन, ये भी इसी कलेक्शन को बिलोंग करती है, इसी कलेक्शन का पार्ट है। ये एक मॉडर्निस्टिक पोएम है जिसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन नजर आ रहा है रीडर्स का। कहने का मतलब है बेसिकली पोइट का इंडिकेशन कहाँ है, वो भीख मांगने वाली औरत पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, वो फोकस इस बात पे कर रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस इस तरह की होती है कि हम एक आदर्शवादी जीवन, एक आइडियल लाइफ जी नहीं पाते। तो एक तरह से ये पोएम रीडर्स को खुद के अंदर झांकने के लिए, सेल्फ एक्सप्लोर, खुद को एक तरह से खंगालने के लिए, खोजने बीन करने के लिए, खुद के अंदर खोजबीन करने के लिए, मतलब एक तरह से प्रेरित कर रही है, इन्वोक कर रही है, पुकार रही है। क्योंकि इसमें पोएट को भी एहसास होता है, एक्चुअली उसको शॉक लगता है जब वो लेडी उसको बोलती है कि भाई इस ऐसी पहाड़ियों पे एक बूढ़ी औरत और करे भी तो क्या करे, तो उसको खुद को झटका लगता है। क्योंकि उसको खुद आत्मग्लानी, एक तरह से खुद को महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये सही बोल रही है, ठीक है। तो इस तरफ ये रीडर्स की तरफ मतलब इंडिकेट करती है। अब सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है? सेंट्रल आइडिया देखो पोएम का यही है एक्चुअल, कि भाई पोएम जो है ना वो एक ऐसे इंसिडेंट को पोर्ट्रे कर रही है। कौन सा इंसिडेंट? कि एक ओल्ड वुमेन है जो कि पोएट को होली साइट जो है ना, हॉर्सू श्राइन, जो पवित्र स्थान है, वहां पे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसके साथ में टैग अलोंग, मतलब टैग्स अलोंग उसके चिपक जाती है बिल्कुल, है ना। एंड बेसिकली वो क्या मांग रही है? 50 पैसा कॉइन मांग रही होती है और साइट दिखाने के लिए बोल रही होती है कि मैं तुम्हें गाइड की तरह दिखाऊंगी, तो मुझे 50 पैसा कॉइन दो। बट जो पोएट है ना वो मना कर देता है कि भाई मुझे नहीं देखनी। और वो उसके बदले में जो रिप्लाई करती है ना, वो एक तरह से आई ओपनर स्टेटमेंट होता है, मतलब पोएट के लिए आंख खोलने वाला स्टेटमेंट होता है। कि वो बोलती है कि एक बूढ़ी औरत, व्हाट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू ऑन हिल्स एज रैश एज दीज, ऐसी कठिन पहाड़ियों पर बेसिकली एक ओल्ड वुमन करे भी तो क्या करे। और इससे पोएट पूरी तरह से हिल जाता है अंदर तक, पूरे कोर तक। इसलिए पोएम बेसिकली फोकस कहाँ कर रही है? ये एक मैसेज दे रही है कि आइडियलिज्म, कि एक व्यक्ति को भीख नहीं मांगनी चाहिए, तो आदर्शवादी जीवन है कि भीख नहीं मांगनी चाहिए, आइडियलिज्म कहलाएगा। वो अप्लाई नहीं होता हर जगह लाइफ में, क्योंकि सिचुएशंस जो होती है ना वो वैल्यूज को और सिद्धांतों को, दोनों को बदल देती हैं, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दोनों को बदलती हैं। ओल्ड वुमन के लिए वैल्यू मायने नहीं रखती, क्योंकि उसको अपना जीवन यापन किस तरीके से करना है और उस बुढ़ापे में करे भी तो क्या करे, तो उसके लिए ये भीख नहीं मांगने वाले वैल्यूज या प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते, ठीक है। अब देखो थीम्स कौन कौन सी है। एक तो कंपल्शन ऑफ द ओल्ड एज, बुढ़ापे की जो मजबूरियां होती हैं, कि भाई देखो ये प्राइम थीम है पोएम की, कि ओल्ड एज जो होती है ना एक पर्सन को भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि इंसान फिजिकली इनकेपेबल होता है, उसको एक तरीके से वो इतना योग्य नहीं रहा अपने शारीरिक तौर पर, ठीक है। तो इसलिए वो रेस्पेक्टफुली पैसा नहीं कमा सकता, ऐसा समस्या आएंगी उसको बहुत भयंकर वाली, इसलिए वो ये ओल्ड एज की एक तरह से लिमिटेशन है, ये कंपल्शन मजबूरी है, ठीक है। पोइट इस बात को रियलाइज करता है कि ओल्ड वुमेन ने उसको एक्चुअल में उसकी एज की रियलिटी बताई है, कि मैं जिस उम्र में हूं अभी, मैं एक आदर्शवादी जीवन नहीं जी सकती हूँ, मतलब बेसिकली मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। तो इस बात को पोइट अब तक इग्नोर कर रहा था। तो ये ओल्ड एज की मजबूरियों को दर्शाती है पोयम। दूसरी चीज क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि भाई ओल्ड एज में औरतें जो होती हैं ना वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहती हैं। क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है कि सोसाइटी में आदमियों के पास, इंडियन सोसाइटी में आदमियों के पास ज्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिव टू वुमेन, उनकी और लिमिटेशंस होती है, घर बार समाज इन सबकी। तो ये ओल्ड एज में वुमेन की लिमिटेशंस को और बेहतर ढंग से दिखाती है ये पोएम। और तीसरी थीम है भाई कि इंडियन पिलग्रमेज साइट्स, कि भारतीय जो हमारे जो ये पिलग्रिमेज साइट्स है, कौन कौन से तीर्थ जो हमारे स्थल्स हैं वो, उनपे कॉमन नजारा क्या रहता है? उनपे कॉमन नजारा ये होता है कि भाई बैगिंग हर जगह दिखाई देगी, हर जगह आपको भीख मांगते हुए लोग नजर आएंगे, है ना। और बैगर्स में ज्यादातर ओल्ड एज लोग ही होते हैं ज्यादातर, अधिकतर। तो पोइट इस बात को हाईलाइट भी कर रहा है कि भाई इन सिचुएशन मतलब इन साइट्स पे क्या परिस्थितियां होती है, वहां पर कैसे मतलब नजारे होते हैं, इन चीजों को वो दर्शा रहा है। अब आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे ना, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है इस पोएम में। पहले एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखो, शी सेज शी, सौ सौ सौ, हियर हर हा, है ना, हर हैंड हा,
ठीक है, इन सब में क्या है, स साउंड, ह साउंड, इनका रिपीटेशन हो रहा है। स और ह दोनों ही क्या है, व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रही है। जब वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम उसे एलिटेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक कॉन्सोनेंस भी होता है, मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि मैं बहुत से पोइम्स पढ़ा चुका हूँ और आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं थोड़े थोड़े तो। देखो इसमें हियर हर, ह के बाद में ई साउंड आ रही है, ही, और हर, ह के बाद ए साउंड आ रही है, तो ई और ए साउंड यानी वोवल साउंड बदल गई है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप कॉन्सोनेंस में भी लिख सकते हैं। एंड सेम यहाँ पर हर, नहीं इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सोनेंस भी कहलाएगा, ये एलिट्रेशन भी है और प्लस ये कॉन्सोनेंस भी है इसमें। तो ये चलो मैं नोट्स में लिख दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, असोनेंस, असोनेंस अलोंग एनी वे। असोनेंस क्या होता है, जब वोवल साउंड यानी स्वर की आवाज वर्ड के स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, कहीं पर भी आए ना, उसका रिपीटेशन हो लगातार कई शब्दों में, कई वर्ड्स में, तो उसे हम असोनेंस मानते हैं। तो यहाँ अलोंग एनी वे, अ, ये वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, चाहे बीच में आता है चाहे एंड में आता है, तब भी हम इसे असोनेंस ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना असोनेंस का एग्जाम्पल। अब सिमिली, सिमिली देखो, दे स्टिक टू अस टू यू लाइक ए बर्ड। यहाँ पे ये विमेन के लिए बोल रहा है कि बूढ़ी औरतें जो होती हैं, बूढ़ी औरतें आपके चिपक जाती हैं बर की तरह। बर क्या होता है, चेंचड़ा, नहीं होता है, पहाड़ों में पाया जाता है, कपड़ों के चिपक जाता है, छोटा सा होता है चेंचड़ा, है ना। मैंने पोएम समझाई थी जब उसकी फोटो भी दिखाई थी आपको। तो यह सिमिली हो गई, औरत के बीच में और बर के बीच में तुलना की गई है, औरत को बर जैसा बताया गया है। तो जब लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी लाइक या एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके जब दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, मतलब है ना, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। ये डायरेक्टली कंपैरिजन होता है, इसमें ओल्ड वुमेन को डायरेक्टली बर से कंपेयर किया गया लाइक का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो क्योंकि बर जो होते हैं कपड़ों के चिपक जाते हैं, उस तरीके से ओल्ड वुमेन भी बड़ी जिद्दी है भीख मांगते हुए और वो चिपक गई है पोएट के। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिमिली का, है ना। अब मेटाफर, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है परंतु कंपैरिजन छुप जाता है, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे ओल्ड वुमेन की आंखों को कंपेयर किया गया बुलेट होल से, तो आंखों को ऐसे नहीं लिखा कि आईज आर लाइक बुलेट होल्स, ऐसे नहीं लिखा, आईज को छुपा दिया, आईज वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, सीधा बोल दिया कि वो बुलेट होल जैसे हैं, मतलब बुलेट होल हैं, उसके पास में दो बुलेट होल हैं, ये बोल दिया है। इसका मतलब वो बोल क्या रहा है, उसके पास दो बुलेट होल है, मतलब बुलेट होल मतलब गोली की जैसे छेद, यानी आंख सिर पे दो बुलेट होल है, बुलेट होल का मतलब यहाँ पर है उसके दो आंखें हैं। तो कंपेरिजन आंखों से किया जा रहा है कि उसकी आंखें बुलेट होल जैसी हैं, परंतु उसने आंखें शब्द इस्तेमाल ना करके सीधा आंखों को क्या बोल दिया, बुलेट होल बोल दिया डायरेक्टली। तो ये मेटाफर होता है, इसमें भी कंपेरिजन हो रहा था पर कंपेरिजन छुप जाता है पीछे। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। एनियमेंट, एनियमेंट एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है। इसमें होता क्या है कि सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। देखो पोएम की लाइन हो गई, एन ओल्ड वुमेन ग्रैब्स, लाइन यहाँ पे खत्म हो गई पर वाक्य खत्म नहीं हुआ। एन ओल्ड वुमेन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोंग, सेंटेंस पूरा यहाँ ही जाके खत्म हो रहा है। यहाँ से लेके पोएम की लाइन इतनी है, ये लाइन इतनी है, पोएम में इतनी इतनी सी लाइन है, परंतु इस लाइन में ये वाक्य है पूरा नहीं हो रहा, वाक्य अगली लाइन में कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एनयमेंट, कि जब ये वो डिवाइस है जब सेंटेंस कंटिन्यू रहता है अगली लाइन, नेक्स्ट लाइंस में भी। ठीक है, तो उसे हम एनियमेंट बोलते हैं। पोएम में बहुत सारे एनियमेंट भरे पड़े हैं, जब फ्री वर्स में या ब्लैंक वर्स में पोएम लिखी जाती है ना, तो एनियमेंट बहुत सारे होते हैं वहां पे। पॉलीसिंडेटन, देखो एंड और नॉट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार होना, रिपीटेशन हो लगातार वर्ड की स्टार्टिंग में, तो उसे हम पॉलीसिंडेटन बोलते हैं। देखो बेसिकली एग्जाम्पल, इसमें एंड का रिपीटेशन हुआ है पोएम में, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे। ये जो पोएम है इसमें अगर आप नीचे देखोगे ना, नीचे आओगे, एंड द हिल क्रैक्स, एंड द टेम्पल्स क्रैक, एंड द स्काई फॉल, एंड का रिपीटेशन लगातार हुआ है, तो ये पॉलीसिंडेटन का एग्जाम्पल हो गया। मॉडर्निज्म, पोएम के अंदर मॉडर्निज्म भी है, आधुनिकता, मतलब क्या फीचर्स हैं मॉडर्निज्म के, मॉडर्निज्म के जो फीचर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि भाई एक तो लाइफ पे से विश्वास उठ गया होता है, लाइफ बहुत ज्यादा निराशावादी प्रतीत होती है ना, पैसिमिस्टिक फील होती है। दूसरी लैंग्वेज जो होती है ना पोएम की, वो थोड़ी सी ऑब्स्क्योर होती है, मतलब थोड़ी उसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो जनरली आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते या कम होते हैं, तो वो पोएम को थोड़ा सा कैसा बना देते हैं, टफ बना देते हैं। कुछ बोल सकते हैं पूरी पोएम टफ ना हो पर कुछ लाइंस ऐसा हो सकता है, और पूरी पोएम भी हो सकती है। ठीक है, तो लैंग्वेज में आपको ऑब्सक्योरिटी नजर आएगी, है ना, लाइफ के प्रति निराशावादी एटीट्यूड रहेगा, है ना, ये चीजें मॉडर्न पोएट्री में नजर आती हैं। तो इस पोएम में भी ये चीजें नजर आ रही हैं, मॉडर्न सोसाइटी की रियलिटी साफ साफ नजर आ रही है। कि देखो एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक टर्म है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि जब आपको लाइफ बिल्कुल बेकार नजर आए, लाइफ का कोई मीनिंग ही नजर ना आए, लाइफ ही आपके लिए मीनिंगलेस हो जाए, कोई मतलब नहीं रह जाए जीने का,
उसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। तो इस पोएम में भी कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म नजर आ रही है, क्योंकि इसमें ओल्ड वुमेन की जो कंडीशन है ना वो बेसिकली, और जो पोइट की जो एक तरीके से एम्पैथी की कमी है, एम्पैथी मतलब एक तो सहानुभूति कमी है, यानी पोइट का ओल्ड वुमेन के प्रति सहानुभूति वो दर्शा ही नहीं रहा होता है, उसे इग्नोर कर रहा होता है ना, उसे झटकार रहा होता है। तो एक तरफ तो ओल्ड वुमेन के प्रति पोइट की एम्पैथी की कमी, ठीक है, यानी उसके प्रति उसकी सहानुभूति नहीं है। दूसरी बात, ओल्ड वुमेन की कंडीशन इस तरह की है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कि इतने बुढ़ापे में भी देखो काम करना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, तो लाइफ एक मीनिंगलेस सी नजर आ रही है, लाइफ एकदम बेकार नजर आ रही है। तो ये दोनों चीजें, कि एक तरफ तो सोसाइटी की भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं है ओल्ड वुमेन की, और ओल्ड वुमेन को ऐसी कंडीशन में ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म को शो कर रहा है, ठीक है, ये भी मॉडर्न पोएट्री का फीचर है। लैंग्वेज थोड़ी सी अनयूजुअल, थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स है, कैसे कि कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे क्रोन शब्द इस्तेमाल किया ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन के लिए कौन क्रोन शब्द इस्तेमाल करता है, पर ये बहुत ही अलग सा हटकर शब्द है, ठीक है। बुलेट होल्स, आईज के लिए बुलेट होल्स टर्म्स इस्तेमाल की गई है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये कुछ कुछ टर्म्स है पोएम में वो शो करती है कि इसमें मॉडर्न फीचर है, मॉडर्न पोएट्री के फीचर। इस तरीके से कोलातकर की पोएट्री में आपको मॉडर्निज्म नजर आएगी। लैंग्वेज देखो, अरुण कोलातकर ने इस पोएम में यू योवर का इस्तेमाल बहुत किया है। आप पाएंगे कि ओल्ड वुमेन ने आपको पकड़ लिया है, आप बिल्कुल बेबस नजर आएंगे, मतलब आप करके बोल रहा है, वो जो ये बोल रहा है आप, तुम, तुम्हारा, तुम, आप, आपका, ये इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, ये क्यों इस्तेमाल किए पोएट ने, ये एक्चुअल में रीडर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, कि रीडर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा फील हो रीडर्स को कि रीडर्स खुद हैं एक्चुअल में, उस ओल्ड वुमेन रीडर्स से भीख मांग रही है, ऐसा फील होगा, क्योंकि वो पोएम को ज्यादा रिलेटेबल बनाना चाहता था, ज्यादा एकदम कनेक्टिंग बनाना चाहता था पब्लिक के साथ में, कि पब्लिक उससे जुड़ाव महसूस कर सके, इसलिए उसने ऐसे प्रोनाउन इस्तेमाल किए यू एंड योर करके। और टर्म जैसे बर जैसी टर्म इस्तेमाल की गई है, बर जैसी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो गया है एक्चुअल में, लोकल एलिमेंट ऐड हो गए, क्योंकि बर एक लोकल शब्द है ना, लोकल शब्द है, तो लोकल गांव का जो लोकल शब्द है ना वो पोएट में, मतलब पोएम के अंदर ऐड कर दिया है पोएट ने, तो उससे क्या हो गया है, एक तरह से लोकेलिटी की फीलिंग आ रही है, कंट्री साइड की, भाई ये यहीं के रीजनल एनवायरनमेंट को शो कर रही है एक तरीके से ना। तो लैंग्वेज में आपको कुछ लोकल टर्म्स मिलेंगी, वो पोएट ने जानबूझ के मतलब अपनापन जताने के लिए, ऐसा बोल सकते हो कि आप उससे रिलेट कर सके पोएम से, कि आप ही के इलाके की पोएम है एक तरीके से, है ना, साथ में उसमें यू एंड योर टर्म इस्तेमाल करके आपको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये लैंग्वेज भी थोड़ी सी हटके इस्तेमाल की है। स्ट्रक्चर राइम स्कीम क्या है, पोएम में 11 स्टेंजा है, हर स्टेंजा में 3 लाइन है, इसलिए बोल सकते हैं ट्रिपलेट्स हैं, इसे ट्रिपलेट बोलेंगे, एक स्टेंजा में 3 लाइन और ट्रिपलेट्स ना। और कोई राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं की है, ना ही कोई रिदम इस्तेमाल की हुई है पोएम के अंदर, इसलिए पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। जब जिसके अंदर राइम स्कीम या रिदम दोनों भी ना हो ना, ना राइम स्कीम ना रिदम, तो उसे फ्री वर्स कहते हैं। तो ये अपना हो गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम का, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पर, ठीक है, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।